कुवैत में दो दिन पहले हुए अग्निकांड में मारे गए भारतीयों के पार्थिव शरीर लेकर आया भारतीय वायुसेना का विमान शुक्रवार सुबह कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। दूतावास ने बताया कि विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह भी उसी विमान से वापस आए। वायुसेना के C-130 जे परिवहन विमान से 31 भारतीयों के पार्थिव शरीर को यहां उतारा गया। यहां से शवों को उनके गृह नगर तक पहुंचाया जाएगा। घटना में मारे गए 31 लोगों में से केरल के 23, तमिलनाडु के 7 और कर्नाटक का 1 व्यक्ति शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिणी कुवैत के मंगाव क्षेत्र में 7 मंजिला इमारत के रसोई घर में भीषण आग लगने से 49 विदेशी मजदूरों की मौत हुई थी और 50 अन्य घायल हुए थे। इनमें से 45 भारतीय थे और शेष पाकिस्तान, फिलीपीन, मिस्र और नेपाल के नागरिक थे। इमारत में 195 प्रवासी मजदूर रहते थे। इससे पहले वायुसेना का सुपर हरक्यूलिस विमान कुवैत से 45 शवों को लेकर रवाना हुआ था। पहले ये विमान केरल के कोची में उतरा क्योंकि ज्यादातर मृतक वहीं के थे। इसके बाद विमान दिल्ली आया। यहां से शव संबंधित राज्यों में भेजे जाएंगे। यूपी के मृतकों की पहचान वाराणसी के माधव सिंह, गोरखपुर के जयराम गुप्ता और अंगद गुप्ता के रूप में हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश के मृतकों में श्रीकाकुलम जिले के टी लोकानंदम, पश्चिम गोदावरी जिले के एम सत्यनारायण और एम ईश्वर रूडू की पहचान की गई है। अरब टाइम्स ने कुवैत के प्रथम उपराष्ट्रपति शेख फहद अल यूसुफ के हवाले से बताया कि अधिकारियों ने अब तक 48 शवों की पहचान कर ली है। कुवैत के दक्षिण शहर मंगाफ में 7 मंजिला इमारत में हुए हादसे में 49 लोगों की मौत हुई थी जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। केरल सरकार ने परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद की भी ऐलान किया है। इस बीच भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंच गए। वहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की। सिंह स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर शवों को भारत लाने के प्रयास में जुटे हैं। वहीं कुवैत प्रशासन ने शवों की पहचान स्थापित करने के बाद वादा किया कि वो हादसे की त्वरित जाँच करेगा और शवों को वापस भेजने में पूरी मदद करेगा। पता चला है कि इमारत में 196 श्रमिक रखे गए थे। एक दिन पहले यह संख्या 160 बताई गई थी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अलियाह से मुलाकात की। अलियाह ने पूरा सहयोग देने का वादा किया। सिंह प्रथम उप मुख्यमंत्री शेख फहद से भी मिले जिन्होंने देश के अमीर की ओर से पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना जताई। शेख फहद ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है।